नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास में है सेवन सीरीज़ जो कि अपने सिक्सथ जनरेशन में है सिक्स जनरेशन कैसे वैल well, एक्चुअली ये सेवन सीरीज़ प्रोटेक्शन है जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया होगा ये आर्मड व्हीकल है जो कि कई हेड ऑफ स्टेट्स कई लोग वी आई पी लोग जो है वो रखना पसंद करते हैं बिकॉज ये बुलेट प्रूफ है बॉम्ब प्रूफ है इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट की फ्लीट में प्राइम मिनिस्टर की फ्लीट में एक सेवन सीरीज़ प्रोटेक्शन है जो कि मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब खरीदी गई थी अब थोड़ा कम काम में आती है बिकॉज अब उनके पास में एक लाइन क्रूजर भी है एक सीरीज़ लेटेस्ट वाली जो है वो भी है बट तो हो सकता है शायद वो उस व्हीकल को इस व्हीकल से रिप्लेस करें सब चीज़ जानते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ फ़ीचर्स है क्या चीज़ें नई हुई है चेंज हुई है और क्या क्या चीज़ें का ग्रेड्स जो है वो यहाँ पे फीचर्स अंदर की तरफ क्या है हर एक चीज़ चाबी से शुरुआत करते हैं चाबी जो है वैसी यादी BMW आ, की है जैसे बी ने नई की फॉब जिस तरीके से अपनाया है वही रेगुलर चाबी है कुछ भी उसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए इसको बुलट प्रूफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास में जो है लॉक अनलॉक वगैरह सारे स्विचेस वगैरह आते हैं बट वो वाला सिस्टम नहीं है टिपिकल जर्मन के आपने अनलॉक दबाया रखा सारे विंडोज़ रोल डाउन हो जाए आपकी गाड़ी ठंडी वंडी करने भाई वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे जिसके पास में ये गाड़ी रखने के हिसाब है उसका बंदे के पास में उसका बैकअप ऑप्शन भी होगा ही कि कौन उसकी गाड़ी को जो है वार्म रखेगा कोल्ड रखेगा क्या टेम्परेचर पहनि चाहिए एनी विच वे रेगुलर सेवन सीरीज जैसी की जैसी लगती है कोई भी फर्क नहीं है अगर दो चार चीजें आप हटा दो जो कि हटाई जा सकती है बाय द वे यहाँ पे फ्लैग लगाने के लिए दिया हुआ है ये लाइट्स वगैरह अगर ये हटा दो आपको तो एक्चुअली एक बार की दूर से कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा बट तुम्हारा भाई जो है वो बताएगा क्या डिफरेंसेस जो है कैसे आप स्पॉट कर सकते हो कि ये बुलेट प्रूफ कार है या नहीं है बाय द वे ये कार बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ सब है जो रेगुलर शैसी एस सीरीज़ की उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलिस्टिक स्टील लगाया गया ट एन एम एम थिंक ओवरऑल हर जगह तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ें हो पाती है जो ग्रेड है ओवरऑल बॉडी की वी आर नाइन है और जो ग्रेड है ग्लासेस की वो वी आर टेन है अभी फ्रंट में आपको वही सब चीज़ रेगुलर वाली मिल रही है कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है बट नोटिस दिस ये टायर जो आप देख पा रहे हो ये टायर्स जो है पैक्स टायर्स है स्पेशली अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो आप नोटिस करोगे जो आ, अलॉय है एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को ऊपर करना पड़ेगा ये जो अलॉय है गाड़ी का वो प्रोट्रोड करता है मतलब बाहर की तरफ निकलता है टायर थोड़े पतले हैं तो उससे आप इजीली गेज कर सकते हो कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है या नहीं है क्योंकि टायर्स जो है वो वहाँ पे लगाए गए हैं बाय द वे पैक्स टायर सेफ वर, सेम रन फ्लैट जो टेक्नोलॉजी होती है उसी तरीके से कि आप ऑलमोस्ट थर्टी किलोमीटर तक एटी के एम पिच चला सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पंचर हो गए उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करो जो ग्लास है उसमें मल्टीपल लेयर्स दिख रही है ओवरऑल देखने का एरिया थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको और उससे पता चलता है कि ये ग्रेड uh, जो है बुलेट प्रूफ अगर आपको हाथ लगाने का मौका मिल जाए तो कभी इसको मार के देखना है ऐसे ये लिटरली फील कि आपने किसी पत्थर पर हाथ बजाया जो कि अदरवाइज़ किसी भी गाड़ी के साथ में केस है नहीं सेम चीज़ गोज़ हीयर आप देखोगे थिक पैटर्न आपको नजर आएगा दैट मीन्स दिस इज़ अ बुलेट प्रूफ ग्रा ग्लास तो वहाँ से दो चीज़ें से जो है चीज़ें पता चल जाती है बट मोस्टली जो लोग इन गाड़ियों को ख़रीदते हैं वो यूजुअली उस पर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रखते ही है जैसे ये लाइट वाइट हो गई और वो लोग क्या करते हैं रेगुलर सेवन सीरीज खरीदते हैं उसमें भी ये दो तीन चीजें करवा लेते हैं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी गाड़ी एक्चुअल में बुलेट प्रूफ है और कौन सी मिमिक कर रही है ऐसा कोई नहीं करता है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके उसको रेगुलर गाड़ी दिखाना चाहे क्योंकि फिर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है कई सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस वहां पर आते हैं मैनी anyway, वे uh, आपके पास में साइड में भी कोई चेंज नहीं है सब चीज़ें बरकरार रखी गई जो टिपिकल सेवन सीरीज नई वाली सेवन सीरीज़ की डिज़ाइन पैटर्स है दरवाजे वराजे डोर हैंडल वगैरह जो इलेक्ट्रिकली रिलीज़ होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर बरकरार रखी गई है कुछ भी चेंजेस यहाँ फ्यूल भरने में भी नहीं है आपको टिपिकल रेगुलर पेट्रोल फ्यूल बढ़ना है बाय द वे ये ये वी इंजन है जी हाँ और एट स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है और ये वी इंजन जो है हमने रेगुलर सेवन सीरीज में भी देखा है फाइव हंड्रेड हॉर्स पावर बनाता है और जीरो टू हंड्रेड जो है सिक्स पॉइंट सिक्स सेकेंड में करती है स्लो क्यों हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली इसका वजन बढ़ गया फोर थाउजेंड किलोग्राम जो है बिना किसी बंदे के बैठे इसका वजन है फोर थाउजेंड किलोग्राम विच इज स्टिल लाइटर देन द प्रीवियस जनरेशन दो सौ किलो कम हो गया है क्योंकि जिस तरीके का ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया है वो उस स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही है बट थोड़ा सा वजन हल्का हो गया है यहाँ पे आपके में फ्लैशिंग लाइट्स अगेन दैट इज वॉट इट इज इन एक्सटीरियर अंदर मैं चलता हूँ उससे पहले मैं एक बार वॉक राउंड करके देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें चें ना हो एक बार टायर्स दिखाई देता हूँ आपको 255, 740 आर फाइव वन जीरो जो फाइव वन जीरो है वो व्हील की ओवरऑल डायमेंशन के बाद में सेवन फोर जीरो जो टायर प्लस व्हील जो है वो कितना होना चाहिए और टू फिफ्टी फाइव जो है वो पैच ओवरऑल कितना वाइड है वो मिशलिन बनाता है ऐसे टायर्स हमने आउडी ए, एट सिक्योरिटी में भी देखा था हमने ये चीज़ सेम जो है आ, उसमें भी देखी हुई है एस गार्ड में भी देखी हुई है तो वो चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल है और कुछ द वे प्रोटेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंजन की वर्किंग वगैरह मोड चेंज हुए अभी भी ये ब्रीदिंग वाली ग्रिल जो है वो बरकरार है लाइट जल्दी है पूरी बड़ी अराउंड दिखता है ना ये चल रही फोटो में देख पा रहे हो चल रही तो वो सब चीज़ें वो जब बरकरार है ही बस वो सनरूफ़ नहीं होने वाली चीज़ थोड़ी सी अलग डिस्टिंगली पता चल जाती है बाय द वे बाहर कई कंट्रीज़ में सनरूफ़ के बिना भी गाड़ियाँ मिलती है लाइक जैसा हम ज्यूम करते हैं कि वो सी लग्जरी कार में सनरूफ़ आएगी ही आएगी वो केस है नहीं उसे अब अंदर चलते हैं ओके okay, अंदर से बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें कैसी है अंदर बट पहले मैं करता हूँ दरवाज़ा बंद जो कि मुझे बाहर से कंप्लीटली कंसिल कर देगा इतना कंसिल करता है कि अंदर बैठ के कर मैं जोर चिल्लाऊ हेलो 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 कोई नोटिस नहीं करेगा ये आदमी भी नोटिस नहीं करेगा आसपास जिसको मैंने ये काम पर लगा रखा है कि भैया मेरा ध्यान रखना पहले मैं सीट पीछे चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है आई थिंक कोई शॉर्ट हाइट का बंदा बैठा होगा एनीवे anyway, वे तो यहाँ पे जो है काफी हद तक चीज़ें सेम लगती है जो रेगुलर स्टैंडर्ड सेवन सीरीज है उसके जैसी जैसी लगती है बट चीज़ों में बदलाव आने लग जाता है स्क्रीन को अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो यहाँ पे कैसे सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोटिस करो यहाँ पे लॉक एंड लॉक आपके पास जो बटन दिया गया है जो कि एक्चुअली काम नहीं कर रहा आई थिंक डिसेबल यहाँ पे किया गया है क्योंकि अगर कोई कुछ भी दबा दे तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इर है जैसे कि मैं फायर एक्सटिंग चला दूँ तो इर है अलार्म अगर बजा दूँ तो इ है उसके बाद एस एस वगैरह सब जो है जाना शुरू हो जाएगा उसके बाद में मल्टीपल चीज़ें यहाँ दी गई साइरन जो है वो किस तरीके से बदना चाहिए उसका पैटर्न यहाँ दिया गया है बीकन अगर लगी हुई हो तो जल्दी जी इस पर अभी हज़ार वाला लाइट्स ले आ रही क्योंकि बीकन जो ऊपर है वो बीकन अभी जल नहीं रही है ये लाइट्स जो आगे अभी जल रही है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि आगे वाली लाइट्स है जो जैसे मैंने बंद कर दी अगर आप देखोगे यहाँ बैकग्राउंड पैटर्न में आपको हल्की फुल्की लाइट जलती बंद होती हुई शुरू दिख रही होगी आप चालू होगी पीछे पीछे तो ये लाइट्स वगैरह जो है यहाँ से बंद चालू कर सकते हो फ्यूल वगैरह की ओपनिंग वगैरह सब चीज़ जो है इस इंटरटेनमेंट से कंट्रोल करनी है आपको ये चीज़ पिछली सेवन सीरीज़ में नहीं थी जो कॉम्पिटन कर सकती है उसमें नहीं है उन सब में ना यहाँ पे डेडिकेटेड फिजिकल बटन्स जो है वो लगे हुए हैं अब आई डोंट नो पीपल हु आर बाइंग दिस वो इसको कैसे लेते हैं क्या वो ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो सकता है कि अगर ये सिस्टम काम नहीं किया तो क्या हुआ या uh, उनको जो है ये बढ़िया फ्यूचर uh, वाली टेक्नोलॉजी लगती है ये मुझे नहीं पता है तो जो पर्स्पेक्टिव बायर्स हैं उन्हीं की अपनी अंडरस्टैंडिंग है बट बाकी सब चीज़ें अच्छी है क्योंकि वो चीज़ें सब इंटरग्रेट कर देगी इस स्क्रीन में जो कि एक्चुअली बड़ी भी है तो उसकी वजह से स्पेस वगैरह आपके पास में यहाँ बरकरार रहता है यहाँ पे वहाँ आपके पास में चार्जिंग पैड जो है वो बरकरार रहता है मैं इसमें लगा के देता हूँ ये हमारे पास में यहाँ लगा एक्चुअली वायरलेस चार्जर हाँ ये वायरलेस चार्जर जो है काम कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे आपके पास में दो बॉटल होल्डर जो है वो बरकरार है सेम चीज़ इन्फोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है आपके पास में इंजन स्टार्ट सॉप यहाँ दिया गया है गियर सेलेक्टर यहाँ पे दिया गया है वही एट स्पीड का बॉक्स आता है जेड ट्रांसमिशन वाला जो कि अदरवाइज हमने देखा है गाड़ी में यहाँ पे आपके पास में स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कंट्रोल सेम है कुछ भी अलग नहीं है एम स्पोर्ट पैकेज में बाय द भी आता है तो इस वजह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टीयरिंग में एम बैज जो है वो लगा हुआ है अब ये कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली गाड़ी जैसे आर्म लगेज कंपार्टमेंट डोर ओपन पीछे वाला जो लगेज कंपार्टमेंट का डोर है अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो ओपन मैंने दिखाया था ना आपको अभी जो पीछे बूट में जो है डोर ओपन तो उसकी वार्निंग लाइट यहाँ पे आ रही है ये चीज़ हुई ऊपर की तरफ यहाँ आप देख पा रहे हो ये आपके पास में इलेक्ट्रोक्रॉनिक मिरर है हालांकि ये इलेक्ट्रोक्रामिक मिरर जो है वो अभी हल्का सा पीछे सही नहीं दिखा पा रहा है रीजन बीइंग पीछे एक शेड लगा हुआ है जो कि अभी मैं हटा के आपको दिखाऊंगा जनरोप वन रूफ नहीं आएगी भैया अब आपको आर्मड व्हीकल भी चाहिए जनरोप भी चाहिए इतना सब कुछ नहीं किया जा सकता है बट यहाँ पे कौनसोल्स सेम है कुछ भी डिफरेंस नहीं उसमें लाइटिंग वाइटिंग जो है वो दी गई है काफ़ी अंधेरा सा आपको डेफिनेटली लग रहा होगा उसका रीज़न सिंपल है क्योंकि पीछे की लाइटिंग मैंने ऑफ कर दी तो उस वजह से नहीं दिख रहा है अरे जैसे लाइटिंग चलो ऑन

एनी anyway, वे ये सब तो ठीक है बाकी सब चीज़ें सेम मिलती है आपको यहाँ पे आपको जो है एक और औजार मिलता है जो कि एक्चुअली uh, माइक है बाहर की तरफ बोलना हो आपको क्योंकि मैं बोल रहा था ना आपको आवाज़ नहीं जाती बाहर जैसे कि अभी मैं उस बंदे को कुछ बोलूँ ये देखो ललित यहाँ खड़ा है और मैं अभी साइलेंट ही बोलूँगा ललित 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 कुछ नहीं पता चल रहा है उसको क्योंकि इतना थिक शील्ड ऑफ मेटल है कि कुछ पता नहीं चलता है तो ये यहाँ पे जो है माइक बजा के मैं बोल सकता हूँ कि ललित भाई इधर आओ तो उसको सुनाई ज़रूर दे जाएगा फट अभी बुलाना नहीं मुझे एनीवे वे कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं है एक चीज़ अभी पीछे वाली सीट पे लेके चलता हूँ और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ वो ये कि इलेक्ट्रिकली डोर जो है वो रिलीज़ होते हैं जैन दबाया ये इलेक्ट्रिकली थोड़ा आगे चल जाता है उसके बाद में मुझे पुश करना पड़ता है ऑब्वियसली तो मैंने यहाँ पे किया पुश मामला और इजीली पुश हो जाता है भले ही 200 सौ किल्लों के, के दरवाजे हो बट पुश जो है वो इजीली हो जाता है उसमें कोई इशू नहीं है हाँ एक चीज़ उन्हें दिखानी थी विंडोज़ जस्ट लुक एट दिस वन टच वन टच भूल जाओ आप वन टच में डाउन ऑन होगी एन टी पिच फीचर वगैरह इसने पिंच कर लिया ना आपका हाथ निकल के बाहर आ जाएगा इतना थिक जो है यहाँ पे ये मामला है ये मैंने किया इसको वापस बंद अपने आप में एक चीज़ है भाई जिस तरीके से मूव होती है इसको बंद करने से पहले एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ ये दरवाज़ा खोलने पर दिखेगी प्रोटेक्शन कोर ये जो सियासी है जो कि है तो सेवन सीरीज़ की बट उस पर बैलिस्टिक स्टील वगैरह जब मिला के लगाया जाता है तो उसका नाम चेंज हो गया हो जाता है प्रोटेक्शन कोर कोई भी तरीके का कार्बन फाइबर वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल तो यहाँ पे नहीं की जाती है रियर सीट पे जो है एक और स्पेशल चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस वगैरह वैसे तो मैंने इस सीट को आगे ऑल द वे आगे सॉरी पीछे पुश कर दिया था तो मैं इसको आगे की तरफ पुश कर लेता हूँ यहाँ आगे पुश कर ली मैंने रफली उस स्पेस में जहाँ पर मैं कम्फर्टेबली बैठूँगा बाई द वे सॉफ्ट क्लोज फंक्शन आता है जी हाँ <laughs> तो यहाँ पे जो है रियर सीट में गया क्या क्या चीज़ें मिलती है एक तो मिलता है बहुत अच्छा स्पेस कोई भी दिक्कत नहीं है स्पेस रिलेट नॉट जस्ट दैट हेडरूम वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि सनरूफ नहीं आती तो पीछे आके यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा एडिंग एडिशन यहाँ पे हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टील वगैरह तो वो स्पेस नहीं खाता है वो सनरूफ वाले स्पेस में ही सब कुछ फिट यहाँ पे हो गया ये पीछे लाइट्स आप देख ही पा रहे हो दरवाज़ा अगर आपको अनलॉक करना हो तो उसके लिए यहाँ एक बटन दिया गया है बाय द वे सारे दरवाज़ों में एक छोटा सा ब्लास्ट जो है वो हो सकता है ताकि इमरजेंसी में अगर दरवाजे ना खुले तो उस ब्लास्ट की मदद से दरवाज़ों की हिंजिस को तोड़ दिया जाए और धक्का मार के जो बाहर गिरा सकते हैं बट फिलहाल मैं इसको करता हूँ बंद और मैं आपको कुछ मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ ठीक है आप यहाँ बैठे हो ठीक है अंदर बैठे हो आपको कोई नहीं देख सकता है लिटरली बाहर से कोई नहीं दिखता एक तो टिंटेड है फिर ऊपर से उसके अंदर भी जो है यहाँ पे देख पा रहे हो एक शेड लगा हुआ है बट एक स्पाई मोड आता है अगर आपको स्पाई जैसी हरकतें करनी है तो एक स्पाई मोड आता है यहाँ पर अपना हुआ ये ब्लाइंड्स और इस ब्लाइंड को जब खोलोगे तो स्क्रीन चेंज हो जाती है रेगुलर बी एमडलू सेवन सीरीज से उसमें इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ आता है स्पाई पोजिशन स्पाई पोजिशन में क्या होता है ये हल्का सा खुल जाता है जिसमें से आप थोड़ा देख सकते हो बाहर क्या हो रहा है अच्छा अगर प्रधानमंत्री होंगे जैसे वेव करेंगे थोड़ा थोड़ा स्पेस से ओ सॉरी राष्ट्रपति जी ऐसे वेव करेंगे प्रधानमंत्री अपने एकदम खुले दिल के आदमी हैं तो वो कैसे वेव करेंगे पूरा खोल कैसे वेव वो कर सकते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं एंड ऑल्सो रियर कर्टन जो है जो मैं आपको बता रहा था वो आप ऐसे हटा सकते हो यहाँ से ये चीज़ें अवेलेबल है रियर सीट में एक्चुअली अच्छा खासा स्पेस है कोई भी दिक्कत नहीं है बट और कैम्यूनिटीज़ आती है पहले तो ओपन ऑल कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास में सीट्स लाइट ब्लाइंड से रिलेटेड मूड्स वगैरह जो है अब वो ऑब्वियसली सेवन सीरीज जैसे जो है यहाँ पे आपके पास में ऐसा नहीं है कि आपने रिलैक्स वाला मूड लगाया और टीवी स्क्रीन निकल के आ जाएगी कोई भी टीवी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे नहीं आती है वो कुछ ज़्यादा हो जाता भाई साहब उतनी चीज़ें यहाँ पर नहीं अवेलेबल है बट मूड्स uh, के अलावा सीट्स जो है उसमें आपको एडजस्टमेंट uh, वगैरह मसाज की पोजिशन हो जी हाँ मसाज मिलती है सीट्स में वो आप जो है चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग मसाज वगैरह मिलना जो है वो थोड़ा सा कम्फर्ट यहाँ पर एड करता है तो किसी भी तरीके से जैसे कम्फर्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया लेकिन पीछे हर एक चीज के बीच में कुछ कुछ चीज़ें दबी हुई है जैसे कि एक यहाँ पे ये रेड आप देख पा रहे हो ये अलार्म सिस्टम है जो कि आपका अगेन जैसे वो आगे अलार्म दिया हुआ था इससे डिस्ट्रेस अलार्म जो अगर आप दबाओगे तो सायरन नहीं बसता है अलार्म बसता है कि भैया कुछ प्रॉब्लम है तो अलार्म साउंड करता है एसओस कॉल्स वगैरह जो है वो चले जाते हैं एनी वे यहाँ पर आपके पास में स्टोरेज स्पेसिस जो है वो भी दिए गए हैं जो कि एक्चुअली मैं इसे खोल के बताता हूँ अब आपको दिख रहा हो थोड़ा दो यू एस बी टाइप सी दी गई है तो भले ही कितने ही बड़े आदमी बैठे हो टाइप सी से फ़ोन तो चार्ज करेंगे ना यहाँ पर आपके पास में फ्रिज मिलता है जी हाँ बड़े आदमी फ्रिज व्रिज में शैम्पिन रख के चीज़ें ही ना तो मतलब सही रेगुलर कन मेरे ओवरऑल मैं भले ही मजाक वाली भाषा में जरूर बोल रहा हूँ बट कहने का मतलब ये कन्वीनियंस फीचर्स पर कटौती नहीं की गई है एंड स्पेशली ये पीछे की तरफ Uh, जो है प्रोट्रूट होके भी उतना ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता है विच इज़ अमेजिंग मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से थोड़ा सा इसको पुश करना ही भारी काम है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसको पुश करना बाय द वे अगर ये इलेक्ट्रिक स्विच काम ना कर रहा हो तो ऐसे हर बार बम नहीं फोड़ना है यहाँ पे पहले एक मैनुअल रिलीज़ भी है वो मैनुअल रिलीज़ से आप बाहर जा सकते हो उसके बाद में आप जो है फोड़ा फोड़ी वाला काम करते हो तो जी ये सब कुछ है बी एम डब्ल्यू सेवन सीरीज़ प्रोटेक्शन के बारे में अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आप खरीदने जाओगे आप मेरे से कंसल्टेशन मांगोगे तो मैं अपना कंसल्टेशन भेज दूँ आपको पाँच हज़ार में वैसे सिस्टम यहाँ नहीं है वैसे अगर आपको लेनी है तो मेरे से कंसल्टेशन बिल्कुल मत लेना क्योंकि मैंने इसको चला ही नहीं है मैंने कोई भी आमडर्ड वहीकल कभी नहीं चलाया है लेकिन डेफिनेटली कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी बिकॉज दिस द लेटेस्ट आर्मर्ड व्हीकल आउट देयर जो कि किसी भी तीनों जर्मन कंपनीज में से है अभी उनका थोड़ा पुराना हो गया है डजन मीन कि उनके वाले में प्रोटेक्शन लेवल्स कम है जस्ट कि उनका अभी किसी का एक साल में लाया किसी का पाँच छः साल वे लाया है वो वाली चीज़ें बट वीडियो कैसा लगा कुछ डाउट है कुछ क्वेश्चंस है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वो मैं आंसर कर सकता हूँ आपके फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद नहीं पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगली वीडियो तो कल दोस्तों हेलमेट पहनिए सीट बेल्ट पहनिए सुरक्षित चलिए धन्यवाद हेलमेट सीट वेड लिए क्योंकि आपके व्हीकल में नहीं है आर्मेड वाला सिस्टम इसकी एन रेटिंग तो फाइव प्लस निकल जाएगी वो एनकेस्टिंग टेस्टिंग बैरियर टूट सकता है आप अपना ध्यान रखो